नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन रेनबो क्लासेज में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिसंबर माह क्रोनोलॉजी की करंट अफेयर्स की विस्तृत जानकारी, जो आने वाली हर तरह की एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। संयुक्त अरब अमीरात में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, प्रोजेक्ट का नाम अल धफरा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। इसकी क्षमता है 2 गीगावाट। संयंत्र से सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन होने की संभावना है। यह प्रोजेक्ट यूएई के नेट जीरो 2050 लक्ष्य के अनुरूप है। COP28 का आयोजन यूएई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक होगा और आयोजन दुबई में होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजन होगा। आयोजन 20 नवंबर को, दूसरा संस्करण है। दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्री ने भाग लिया। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। क्वाक क्वेरली साइमंड्स QS द्वारा वर्ष 2024 के लिए QS विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट नवंबर 2023 को जारी की। प्रथम स्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की। शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6, जिनमें टॉप 3, 40वां स्थान मिला IIT मुंबई को, 46वां IIT दिल्ली को, 53वां IIT मद्रास को। नाटो ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को निलंबित किया। कारण, रूस ने स्वयं को इस समझौते से 7 नवंबर 2023 को अलग कर लिया था। श्रीलंका के अडानी पोर्ट्स में अमेरिका का $553 मिलियन का निवेश। प्रोजेक्ट कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन निवेश कर रहा है। अनुबंध 35 वर्ष के लिए, हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की 51%। भूटान नरेश की भारत यात्रा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 8 दिवसीय यात्रा पर भारत की यात्रा पर रहे, 3 से 10 नवंबर 2023 के मध्य। भारतीयों के लिए थाईलैंड में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति। भारतीय एवं ताइवानी पर्यटकों के लिए 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 के मध्य अवधि में 30 दिनों तक। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2023 शीर्षक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दिनांक 6 नवंबर 2023 को जारी किया गया। शीर्ष राष्ट्र चीन, अमेरिका, जापान। पेटेंट में वृद्धि हुई 1.7% की। ट्रेडमार्क में कमी हुई 14.5% की। औद्योगिक डिजाइन में कमी हुई 2.1% की। पौधों की किस्म में वृद्धि हुई 8.2% की। वर्ष 2022 में भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 31.6% की वृद्धि हुई, जो किसी भी शीर्ष 10 पेटेंट फाइलर्स देश की तुलना में 11 साल की सबसे अधिक वृद्धि है। भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजन 10 नवंबर को आयोजन हुआ। विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री दोनों देशों के भाग लिए। 5वां संस्करण था। शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और यूएई के मध्य एमओयू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एमओयू किया। यूएई के अबू धाबी में 1 नवंबर 2023 को यह एमओयू हुआ। भारत और इटली के बीच गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी हेतु समझौता। शेख हसीना बनी विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख। पहला कार्यकाल शेख हसीना का 1996 से 2001 तक, दूसरा कार्यकाल 2009 से अब निरंतर चल रहा है। केमन आइलैंड्स FATF की ग्रे सूची से बाहर। FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। केमन आइलैंड्स को ग्रे सूची से बाहर। अन्य देश जो इस सूची से हटाए गए हैं, पनामा, जॉर्डन और अल्बीनिया। ग्रे सूची में शामिल देश बुल्गेरिया। पीएम मोदी व शेख हसीना ने किया 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर।
खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना लंबाई 65 किलोमीटर, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट MSTPP, रामपाल खुलना डिवीजन बांग्लादेश, क्षमता 1320 मेगावाट, दो यूनिट 660 मेगावाट की। NTPC और PPDB का 50% का साझेदारी। भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा ब्रिटेन। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य। सफ़ेद हाइड्रोजन, वैज्ञानिकों ने उत्तरी पूर्वी फ्रांस के लोरेन में भूमि के नीचे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के किस रूप की खोज की है, जो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार बना है, वह है सफ़ेद हाइड्रोजन। सफ़ेद हाइड्रोजन को गोल्ड प्राकृतिक या जियोलॉजियो हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यह रिसाइकलेबल है, इससे प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसे सफ़ेद हाइड्रोजन कहा जाता है। रूस, ओमान, फ्रांस, माली पर सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई। मिका MIKA, यह एक AI रोबोट है। कोलंबिया की रम कंपनी डिक्टोडोर ने CEO नियुक्त किया है। किसी वैश्विक कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त दुनिया का पहला AI रोबोट है। हाल ही में 100वीं वर्षगांठ बनाने वाला देश तुर्की है। नेपाल में राजशाही का अंत हुआ 28 मई 2008 में। भारत में अपना दूतावास बंद किया है अफगानिस्तान ने। 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023, इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? UNEP द्वारा जारी की गई। राष्ट्रीय परिदृश्य, भारत का 54वां फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। पणजी गोवा में लगातार 20वीं बार आयोजन। 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य यह आयोजन हुआ। उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने किया। उद्घाटन फिल्म कैचिंग डस्ट। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया। गोल्डन पिकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर फारसी मूवी को मिला। सिल्वर पिकॉक अवार्ड ब्लॉगाज लेसेंस को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पोरिया रहीमी एंडलेस बॉर्डर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलानी थियरी पार्टी ऑफ फूल्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनकी उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला। ज्यूरी विशेष पुरस्कार ऋषभ शेट्टी कांतरा मूवी के लिए मिला। प्रधानमंत्री द्वारा PMPVTG मिशन लॉन्च। पूर्ण रूप प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन। PM ने झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को मिशन लॉन्च किया। इसके तहत PVTG परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकसित भारत का संकल्प यात्रा का शुभारंभ 25 जनवरी 2024 तक। भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं को पूर्णता प्रदान हेतु लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से PM जनमन, PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत सरकार आदिवासी समूह और आदिम जनजातियों तक पहुंचेगी। बजट 24,000 करोड़ रुपए। PM किसान सम्मान निधि योजना 15वीं किस्त जारी। दुनिया के सबसे ज़्यादा TB मरीज भारत में। WHO शीर्षक वैश्विक TB रिपोर्ट 2023। संस्था जारी करता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO रिपोर्ट के अनुसार कुल मामलों में से चौथा मामला भारत में पाया गया। भारत में 27%, इंडोनेशिया में 10% और चीन में 7.1%। 2030 तक TB महामारी को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG के स्वास्थ्य लक्ष्यों में से एक है। हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023। शीर्षक हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 जारी करता हुरुन इंडिया और एडल गिव। डेट 2 नवंबर 2023 को जारी किया गया। प्रथम स्थान शिवनादर को मिला, जिन्होंने 2,042 करोड़ रुपए दान किए हैं HCL टेक्नोलॉजीज। जीरोदा के निखिल कामत सबसे युवा दानवीर बने गए हैं।
विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव बिहार कैबिनेट में पारित। कोझिकोड और ग्वालियर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को 55 नए शहरों को शामिल किया गया है। संगीत श्रेणी में ग्वालियर मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। साहित्य श्रेणी में कोझिकोड केरल को शामिल किया है। साहित्य की नगरी कोझिकोड भारत का पहला शहर है। संगीत की नगरी 2015 में वाराणसी, 2017 में चेन्नई और अब ग्वालियर को शामिल किया गया है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर के घरेलू नौचालन को झंडी। कोस्टा सरेना की पहली समुद्री यात्रा 3 नवंबर को देखो अपना देश के तहत। डॉक्टरों के लिए लागू होगा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने विस्तृत रूप रेखा बना ली है। एक यूनिक आईडी दी जाएगी। मणिपुर के सबसे पुराने हथियारबंद समूह के साथ शांति समझौता। भारत सरकार और मणिपुर सरकार के मध्य UNLF यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट 29 नवंबर को नई दिल्ली में शांति समझौता हुआ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जाएगा। ABHWC आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसकी नई टैगलाइन होगी आरोग्यम परमम धनम। मिट्टी कैफे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड ने समावेशिता को बढ़ावा देने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का 10 नवंबर 2023 को उद्घाटन किया। संचालन एवं पूरा प्रबंधन दिव्यांगजनों द्वारा होगा। संस्थापक अलीना आलम। विद्या समीक्षा केंद्र। गोवा, गुजरात, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में अब चालू किए गए। चौथा राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया विकास बैंक ने केरल के कोच्चि में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकरण को बढ़ावा देने के लिए $170 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स के किस युद्धक विमान से उड़ान भरी। तेजस अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। SpaceX द्वारा INS के लिए कार्गो मिशन लॉन्च। CRS-29 ड्रैगन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लॉन्च करेगा अपना खुद का सैटेलाइट। INSpace द्वारा मंजूरी। उपग्रह का नाम SSAMU-SAT। संस्थापक सर सैयद अहमद खां के नाम पे उपग्रह का नाम रखा गया है। तारों के जीवन चक्र के अध्ययन हेतु नासा द्वारा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च। मिशन इन्फ्यूज इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। उद्देश्य ब्रह्मांड में नई तारा प्रणालियों के निर्माण के बारे में समझ को विकसित करना। उत्तरी कोरिया की पहली जासूसी सैटेलाइट NATA ने 21 नवंबर 2023 को नाम रखा है मालिंग योम फर्स्ट। LSAM-10 यार्ड 78 का जलावतरण। भारतीय नौसेना में LSAM-10 यार्ड 78 परले मिसाइल का सफल परीक्षण। सरफेस टू सरफेस कम दूरी की मिसाइल है। इसकी क्षमता है 350 से 500 किलोमीटर तक। पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट अमीनी का जलावतरण। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रस्ट का अनावरण। आर्थिक परिदृश्य। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 नवंबर 2023 को जारी किया। गुवाहाटी आसाम से बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की, जिसमें दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन से जुड़े आंकड़े दिए गए। दूध उत्पादन वर्ष 2022-23 में कुल दूध उत्पादन 223.58 मिलियन टन हुआ, जो पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्शाता है। सबसे अधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में 15.72%, दूसरा राजस्थान में 14.44%। अंडा उत्पादन वर्ष 2023 में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन
अनुमान है। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का 20.13%, दूसरा स्थान तमिलनाडु का 15.58%। मांस उत्पादन वर्ष 2022-23 में कुल मांस उत्पादन 9.7 मिलियन टन, अनुमान जो पिछले 5 वर्षों में 20.39% अधिक वृद्धि दर्शा रहा है। उत्तर प्रदेश में 12.20% एवं पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान 11.93%। ऊन उत्पादन में वर्ष 2022-23 में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम, अनुमान प्रथम स्थान राजस्थान का 47.98%, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का 22.55%। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया गया। थीम वसुदेव कुटुंबकम, साझेदारी राज्य बिहार एवं केरल, फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उच्च आय धन असमानता वाले शीर्ष देशों में भारत, UNDP रिपोर्ट। भारत में वर्ष 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $842 से बढ़कर $2389 हो गई है। भारत और यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। भारत करेगा वर्ष 2024 में WTCA की मेजबानी। WTCA यानी विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली, आयोजन 15 से 24 अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजन हुआ। CCI बना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन के समूह का सदस्य। संपूर्ण MSME आधारित उच्च आवर्ती संकेतक भारत के छोटे और मझोले उद्योगों की स्थिति को बताएगा। AVTR 1922 भारत का पहला LNG पावर्ड हॉलेंज ट्रक। भारत आटा केंद्र सरकार द्वारा जारी NAFED और NCCF द्वारा मूल्य रखा है ₹27.5 पर kg। भारत ने दिए रिकॉर्ड पेटेंट, 41,010 पेटेंट दिए हैं वर्ष 2023-24 में, जो 31.6% की वृद्धि दर्शा रहे हैं। हेलो नारियल, नारियल विकास बोर्ड ने 13 नवंबर 2023 को हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज FOCT कॉल सेंटर सुविधा आरंभ की है। उद्देश्य किसानों को नारियल की कटाई और पौधे प्रबंधन कार्यों में मदद करना। पुरस्कार एवं सम्मान। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित। इनका उपन्यास है प्रोफेट सॉन्ग। डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीनी को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख हैं। पुरस्कार निशाने पाकिस्तान मिला है। यह पुरस्कार अब तक 4 भारतीयों को मिल चुका है। मोरारजी देसाई को 1990 में, दिलीप कुमार को 1998 में, अली गिलानी को 2020 में, डॉक्टर सैयदना को 2023 में। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बेलोन डी और अवार्ड लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता। पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना से, महिला वर्ग का आयताना बोनमाती स्पेन की। BBC द्वारा जारी दुनिया की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल। सूची का 11वां संस्करण 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची। आरती कुमार राव फोटोग्राफर हैं। जेतु सना नमा तेंजिन पालमो बौद्ध धर्मानुयायी। दिया मिर्जा अभिनेत्री। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उपन्यास फायर बर्ड के लिए। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 91वां क्रम का TV कार्यक्रमों के लिए न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ। एकता कपूर को डायरेक्टोरेट पुरस्कार। वीरदास को बेस्ट यूनिक कॉमेडी अवार्ड मिला। शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 देश में कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला।
निकारागुआ की सेनिस प्लासियोसा वर्ष 2023 की मिस यूनिवर्स आयोजन सेन साल्वाडोर में 18 नवंबर 2023 को विजेता सेनिस प्लासियोसा निकारागुआ की उपविजेता प्रथम एंटोनिया पोर्टशील्ड थाईलैंड की मोरिया विल्सन दूसरी उपविजेता ऑस्ट्रेलिया की। सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक अक्टूबर में जर्मन बुक ट्रेड का 2023 के लिए शांति पुरस्कार भी मिला। आरबीआई को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार। द हिंदू ग्रुप के 6 श्रेणियों में 5वां संस्करण आयोजन हुआ। डिजिटल परिवर्तन के लिए स्टेलेप्स टेक्नोलॉजीज को स्टार्टअप है एक डेयरी क्षेत्र को डिजिटल बनाने का। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में 2 संस्थाओं को हरकी और एजुकेट गर्ल्स को तीसरा क्रम। वित्तीय परिवर्तन में प्रधानमंत्री जनधन योजना को चौथा पुरस्कार। युवा चेंज मेकर चेरी लर्न के निर्माता श्रीनिधि आरएस को मिला। पांचवा पुरस्कार प्रतिष्ठित चेंज मेकर अमूल को दिया गया। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार शक्तिकांत दास को मिला। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग पुरस्कार भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को मिला। महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 गायक सुरेश वाडेकर को मिला। केरल सरकार के राज्य सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मानन नाभन को और केरल प्रभा पुरस्कार एम फातिमा बीवी और दूसरा नटराजन कर्षण मूर्ति को मिला। खेल परिदृश्य। टेनिस डेविस कप 2023 इटली दूसरी बार विजेता बना ऑस्ट्रेलिया को हराकर। पुरुषों का एटीपी टूर फाइनल्स 2023 आयोजन ट्यूरिन इटली में विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार यह टूर्नामेंट जीता है। उपविजेता जेनिक सिनर इटली के। महिलाओं का WTA टूर फाइनल्स 2023 आयोजन कैनकुन मेक्सिको में विजेता इगा स्वातेक पोलैंड की खिलाड़ी। उपविजेता जेसिका पेगुला अमेरिका की खिलाड़ी रही। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार ICC विश्व कप का विजेता बना। 13वां विश्व कप टूर्नामेंट था। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य मेजबान देश भारत रहा। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6ठी बार खिताब जीता। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली इंडिया के खिलाड़ी रहे। सर्वाधिक रन विराट कोहली भारत के 11 मैचों में 765 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने भारत के खिलाड़ी 7 इनिंग में 27 विकेट लिए। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 201 रन ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने बनाए। 14वां ICC वर्ल्ड कप का आयोजन अक्टूबर नवंबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 BCCI की घरेलू T20 क्रिकेट की 2023-24 की 16वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 16 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 को मोहाली के इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पंजाब ने बड़ौदा को 20 रन से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम की। प्लेयर ऑफ द मैच अनमोल प्रीत सिंह पंजाब के खिलाड़ी। पंजाब ने पहली बार विजयी प्राप्त की। पंकज आडवाणी ने 26वीं बार जीता विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 23वां संस्करण 3 से 10 नवंबर के मध्य बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। शीर्ष स्थान दक्षिण कोरिया ने 11 पदक के साथ 6 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। दूसरा स्थान भारत ने 7 पदक के साथ 3 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप अमेरिका में आयोजन हुआ। पहला स्थान चीन ने प्राप्त किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 79वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 चेन्नई में आयोजन हुआ।
पुरुष वर्ग के विजेता वेलावन सेंथिल कुमार तमिलनाडु के रहे। महिला वर्ग में विजेता अनहत सिंह दिल्ली की खिलाड़ी रही। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2023 आयोजन दोहा कतर में, पहला स्थान चीन ने 8 पदक के साथ 2 गोल्ड 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज जीते। भारत ने 81 पदक जीता अनीस भानावाल ने। 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन दक्षिण कोरिया में, प्रथम स्थान चीन ने 33 पदक जीतकर, तीसरा स्थान भारत ने 19 पदक जीतकर, 6 गोल्ड 8 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। हॉकी सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 मलेशिया में आयोजन हुआ। विजेता जर्मनी दूसरी बार जीता, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया, तीसरा स्थान भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह तीसरा स्थान हासिल किया, 6-5 से पाकिस्तान को हराया। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजन हुआ। कुल पदक भारत ने इस प्रतियोगिता में जीते 4 गोल्ड 4 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। मनिका बत्रा अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पे 31वीं रैंक। एंजेला मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने। श्रीलंका के टाइम आउट होने के लिए 3 मिनट का समय है रहता है, लेकिन प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से वर्ल्ड कप में यह 2 मिनट रखा गया है, जिसके कारण 2 मिनट तक उन्होंने कोई बॉल का सामना नहीं किया, उससे उनको आउट घोषित किया गया। बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की घोषणा। 10 से 17 दिसंबर 2023 नई दिल्ली में आयोजन होगा। 3 क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। वीरेंद्र सहवाग भारत के, डायना एडलुजी भारत की महिला क्रिकेटर, अरविंद डी सिल्वा श्रीलंका के खिलाड़ी। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में संपन्न। संस्करण 37वां आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य, मेजबान राज्य गोवा, 43 खेल शामिल। शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 26 अक्टूबर 2023 को मडगांव गोवा में किया। पहला स्थान महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड जीतकर कुल 228 पदक जीते। दूसरा स्थान सेना ने, तीसरा स्थान हरियाणा ने और राजस्थान को 13वां स्थान मिला। कुल 65 पदक जीते, 14 गोल्ड 18 सिल्वर 33 ब्रॉन्ज। हीरालाल सामरिया नए मुख्य सूचना आयुक्त। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले संवैधानिक निकाय नहीं है और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। अनीस शाह फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के नए महासर्वेक्षक नियुक्त। भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना। गिरीश सुंदर मुर्मू UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी का निधन। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 अहमदाबाद में, थीम मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 नवा 17 से 20 जनवरी 2024 में स्थल फरीदाबाद हरियाणा में आयोजन होगा। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल सैन्य अभ्यास है। 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजन होगा। मित्र शक्ति 2023 अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य, 9वां संस्करण पुणे में आयोजन हुआ। त्रिशक्ति प्रहार भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार भारत पाक सीमा पर आयोजन हुआ राजस्थान के जैसलमेर में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य, 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई छावनी में आयोजन हुआ। ऑस्टर हिंद 23 अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में दूसरा संस्करण था। कॉर्पेट और बोंगो सागर 23 भारत और बांग्लादेश नौसेना के मध्य, 5वां संस्करण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजन हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। स्पीड 1.2 TBPS टेराबाइट पर सेकंड, मौजूदा स्पीड से 10 गुना अधिक स्पीड इस इंटरनेट की रहेगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ केसर को GI टैग मिला।
इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2023, 11वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ITM 2023, 21 से 23 नवंबर 2023 मेघालय की राजधानी शिलोंग में। जम्मू कश्मीर में ज्ञानोदय एक्सप्रेस रवाना, शिक्षा क्रांति लाने की अनूठी परियोजना। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल की शुरुआत। अग्नि AGNI आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए। अंत में आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।